अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन अल्ताफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हंसी मजाक। आज हम पूछेंगे लोगों से कुछ जनरल सवाल जिनके मिलेंगे हमें बड़े मजे के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हंसी मजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टिकटॉकर्स हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, टिकटॉक में कितने फॉलोवर्स हैं? मेरे 66,000। ओह नो, ओह माय गॉड, ग्रेट। अच्छा तो मेरा एक सवाल है, अभी जो टिकटॉक पे जो व्यूज नहीं आ रहे, शेयर्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, इसका रीजन क्या है? हुकूमत है, गर्मी है या महंगाई? महंगाई है। महंगाई, वो किस हिसाब से आपको लगता है महंगाई? इस वजह से कि बहुत महंगाई है, इस वजह से लोग पैकेज नहीं मार रहे, तो वीडियो भी नहीं वायरल हो रही है। अच्छा तो आपके कहने का मकसद ये है कि वीडियोस जो टिकटॉक पे जो वीडियोस पे हमारे व्यूज नहीं आ रहे उसकी वजह महंगाई है, जिसकी वजह से लोग पैकेज नहीं कर रहे। हाँ, इस वजह से कोई पैकेज ही नहीं कर रहे क्योंकि महंगाई बहुत है। लेकिन पैकेज तो आजकल बड़े सस्ते से हैं, कर लेता है आजकल हर वेला लड़का भी कर लेता है टिकटॉक बनाने की। जैसे आपके पास भी तो होगा ना, आपने भी किया होगा पैकेज, फिर क्या रीजन है? टिकटॉकर्स के पास तो एटलीस्ट पैकेज होता है ना? पैकेज तो होते हैं लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना लोग पैकेज नहीं मार रहे, तो इसलिए वीडियो भी नहीं वायरल हो रही है क्योंकि देख रहे ही नहीं है लोग। तो चले जी, ये टिकटॉकर्स बड़ी मेहनत करते हैं, इनको देखा करें। और इनके कहने के हिसाब से यहाँ पर महंगाई की वजह से हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स नहीं मिल रहे। आइए और से पूछते हैं। अच्छा हमारे साथ एक और टिकटॉकर है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि महंगाई ये वजह या कोई और वजह है। अस्सलाम वालेकुम, टिकटॉकर हैं आप? जी बिल्कुल। कितने फॉलोवर्स हैं? बस हैं थोड़े बहुत। थोड़े बहुत कितने होंगे? कोई 1,000-2,000 होंगे। अच्छा ग्रेट, चलें ये भी अच्छी, एफर्ट करेंगे तो ज़्यादा होंगे। अच्छा टिकटॉकर के हवाले से मेरे पास एक सवाल है, टिकटॉकर्स जैसे आपके भी यही शिकायत होगी कि व्यूज़ नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे। नहीं ना, व्यूज़ तो टिकटॉकर जो होते हैं ना करते हैं ज़्यादातर, उनको जो है ना जो बंदे का टैलेंट और होता है ना वो सारे के सारे बैठे रहते हैं। और आजकल वो चल रहा है 3-2-1 पिल है, वो वायरल हो गया। हम इधर मेहनत करें, कुछ भी करें, कोई वो नहीं है। यानी आप ये समझते हैं कि टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो अब हमें टिकटॉक वालों को पकड़ के मार के पूछना पड़ेगा, भाई हमारी वीडियो में क्या कांटे लगे हैं जो वायरल नहीं हो रही है। अच्छा आपसे पहले लोगों से भी यही सवाल किया था, मैंने पूछा था हुकूमत का मसला है, महंगाई का मसला है या गर्मी का मसला है, आपके हिसाब से क्या मसला है? जो कि हम कर नहीं रहे, ये गर्मी वर्मी तो कोई बेकार है सारी बातें। वो टिकटॉक बोलता है वो करो तो हम वायरल करेंगे, अब हमें भी है ना शटे वटे फाड़नी पड़ेंगी और यही करना पड़ेगा। चले आप भी कुछ ऊट पटांग हरकत करें और वायरल हो जाएं, मेरी दुआ है कि आप वायरल हो जाएं भाई, देखा करें लोगों को और अच्छे टैलेंट को प्रमोट किया करें। आइए और लोगों से पूछते हैं कि क्या वजह है। अच्छा आप बताएं कि क्या वजह है टिकटॉक पे व्यूज़ ना आने का? व्यूज़ इसमें यही मसला है, इसके अलावा पैकेज हो गया, महंगाई हो गई है, बंदे के साथ पैसे कभी होते नहीं होते, कौन सा पैकेज होता है वो यूट्यूब में चले जाता है, तो टिकटॉक को तवज्जो हम लोग नहीं दे सकते, पैकेज MB जल्दी ख़त्म हो जाती है। पहले हम लोग कौन से पैकेज करते थे सस्ते में, अभी इसके अलावा बहुत महंगाई हो गई है, पैकेज नहीं कर सकते थे। पर अभी तो बहुत सारे जो है नेटवर्क्स ने टिकटॉक के तो अलग से पैकेज बनाए, जैसे यूट्यूब का इस तरह से टिकटॉक का भी अलग पैकेज है, वो नहीं करवाते आप या वो यूज़फुल नहीं है? वो समझ नहीं आ रहा क्यों, उसके साथ सारे देखने पड़ते, कभी टिकटॉक पे जाते हैं, कभी यूट्यूब पे जाते हैं, कभी फेसबुक पे जाते हैं, इस वजह से गुंजाइश नहीं हो सकती है। सैलरी वही चल रही है, महंगाई बढ़ती है दिन पे दिन, घर को भी देखते हैं फिर अपने पैकेज को भी देखे, बहुत महंगाई हो गई है। यानी टिकटॉकर्स भी महंगाई से परेशान है, इनके लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स ना आने की वजह भी महंगाई है। चले आए और लोगों से पूछते हैं कि क्या है वजह। चलिए आइए एक और टिकटॉकर है हमारे पास, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टिकटॉकर हैं आप? जी, इनकी बल्कि वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। अच्छा ग्रेट, तो किस कॉन्टेंट पे बना? यही बस सॉन्ग पे। अच्छा लिप सिंग करते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, टिकटॉक पे जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, शेयर्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, इसका रीज़न क्या है? हुकूमत है, गर्मी है या महंगाई है, क्या है भाई? इसमें हुकूमत का कोई रीज़न नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही रीज़न है, वो लड़कियों का। लड़कियां आजकल इतनी ज़्यादा टिकटॉक पे आ गई हैं, हमारा में कोई देखता ही नहीं है, मुँह ही नहीं लगाता, सब उनको ही फॉलो करते हैं, उन्हीं को व्यूज़ मिलते हैं, उन्हीं को लाइक्स मिलते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद है कि लड़कों ज़्यादा लड़कियों? जिनमें टैलेंट नहीं है वो भी वायरल हो रही है। अभी क्या बोले बंदा, आप बताएं, पाकिस्तान अब इंडिया बन गया। तो मतलब आपको लगता है कि लड़कियों में टैलेंट नहीं होता? बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, कसम से। कुछ कुछ हैं जिनमें हैगा टैलेंट, बाकी सब वे ही है। आपको पता है ना, आपका इंटरव्यू भी एक लड़की ले रही है। कौन? आप तो ले रही है, आप लड़की थोड़ी है।
अच्छा चले ठीक है, यानी आपके कहने का मकसद है कि लड़कियों की वजह से व्यूज नहीं। हाँ लड़कियों की वजह से व्यूज नहीं आते। भी आपका चेहरा देख रहा हूँ मेरे को मेरी पड़ोसन याद आ रही है आंटी, जो मुझसे पानी की गैलन मंगवाती थी बचपन में। आंटी? हाँ बिल्कुल सेम आप, आपसे शायद उम्र में छोटी होंगी। मुझसे छोटी? ओह नो, क्या बोले। चले ठीक है, मैं दुआ करूंगी कि आपकी वीडियोस वायरल हो, लेकिन मैं दुआ करने का दिल तो नहीं चाह रहा। आंटी बोला है आपने मुझे, लेकिन ये चलो खैर है। आई रियली सॉरी। ओह नो, दैट्स ओके। चलिए आइए और लोगों से पूछते हैं। तो एक और टिकटॉकर्स यहां पर हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या जवाब है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टिकटॉकर हैं आप? जी, छोटे मोटे, इतने बड़े नहीं। छोटे मोटे, छोटे से ही स्टार्ट करके बंदा बड़ा होता है, ये तो है। अच्छा मेरा टिकटॉक के लिए एक सवाल है, टिकटॉक पे व्यूज क्यों नहीं आते, इसका क्या रीज़न है? हुकूमत है, महंगाई है, गर्मी है, क्या रीज़न है? रीज़न तो छोटा सा ये है कि वेले लोगों की वजह से नहीं आती, जो वेले लोग हैं वो पहले ऊपर चले आते हैं, जो मतलब उल्टी सीधी वीडियो बना के इधर उधर, जैसे 3-2-1 प्ले चल रहा है उसके दांत देखो आप, खून ऐसा लगता है खून चूसता है लोगों का, तो उसकी वजह से भी नहीं आते। बाकी हम इतने ज़्यादा बनाते नहीं है, रोज़ रोज़ कभी कभार बना ली तो बना ली, वरना तो ऐसी है, फारिग नहीं है ना, काम पे जाते हैं ज़्यादा सी बात है, काम धंधा है, इसलिए नहीं बनाते। अच्छा तो आपका कहना है कि फारिग लोग जो हैं, जो फारिग तरीन लोग हैं, वो टिकटॉक पे फेमस हैं? जी जी जी, वो लोग फेमस हैं, जैसे वो उसका मुँह देख लो ना कैसा वायरल चल रहा है अभी, उसका मुँह ही नहीं है ऐसा जो वायरल करने वाला हो। किस तरह कहता है वो 3-2-1 पिल्ले, कैसे कहता है? बोल नहीं सकते हम, अब वो जो कर रहा है वो हम कर नहीं सकते। तो दैट्स द रीज़न, मतलब ये एक होती है ना कि चीज़, मतलब वो जो कर रहे हैं तो उसमें से कोई अच्छा सा कंटेंट निकाल के आप भी, अगर हम भी वो करेंगे तो उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल। चले ठीक है, मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और आपके व्यूज होंगे, इंशाल्लाह अब ऐसा होगा कि हम आपको अपने प्रोग्राम में बुला के आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे एक्सक्लूसिवली। चलिए आइए और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टिकटॉकर हैं आप? जी जी। अच्छा टिकटॉक के हवाले से एक सवाल है मेरा, ऐसा क्या रीज़न है जो टिकटॉक पे व्यूज़ नहीं आ रहे, शेयर्स नहीं आ रहे, और इसकी रीज़न क्या लगता है? हुकूमत है, गर्मी है या महंगाई है? जी जी, मुझे पहले का तो पता नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि खान साहब के साथ जो हादसा हुआ है इस वजह से लोग टीवी को देख रहे हैं, खान साहब की वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो पे कोई भी व्यूज़ लाइक नहीं आ रहे, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। वो कहते हैं ना कि गरीब दा सड़ गया वेड़ा, किसे ना पाया जेड़ा, हमारे साथ भी वही सीन है, जब हम कोई ऐसे कोई वीडियो बनाते हैं अच्छी। और दूसरी बात है, लड़की होना ज़रूरी है, वीडियो बना रहे हो आप, लड़की होना ज़रूरी है। और हमारी जो बंगले पे कमाती हैं उनको संडे में एक दिन छुट्टी होती है, और हम उसको बुलाएं तो हमें 100-100 बहाने करती हैं, आज हम नहीं आ सकते। देखो जिनके पास गर्ल्स है ना वो फेमस जल्दी होते हैं, हम जैसे बस, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मेरे पास कोई और सवाल है, ख़त्म। मतलब आपके दो रीज़न है, एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि खान साहब की वीडियो सब देखते हैं, खान साहब की वजह लगती है आपको। अभी जो हो रहा है खान साहब के साथ हादसा हुआ है, तो इस दौरान मेरी वीडियो पे कोई लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों? सब ने टेलीविज़न खोल रखा है और खान साहब की देख रहे हैं, जो उसके साथ हादसा हुआ है, तो हम जो टिकटॉक बनाते हैं उन पे इंटरेस्ट नहीं है उनको फिलहाल, तो हम इस वजह से भी बहुत कंफ्यूज हैं। अच्छा दूसरा आपने रीज़न बताया लड़की। जी जी, लड़की होना ज़रूरी है। गर्लफ्रेंड नहीं आप? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, अगर नहीं है सॉरी। फ्रेंड्स भी नहीं है? नहीं, फ्रेंड्स नहीं है। तो ऐसा ग्रुप कभी बनाया ही नहीं कि जिसमें लड़कियां हों? जी ग्रुप अभी, पहले हमने, जब मैं पहले टिकटॉक बनाता था मेरी आईडी बैंड हो गई थी, उस पर 80-85 हज़ार फॉलोअर्स थे, वो मेरी वीडियो मिलियन में भी जाती थी, उस टाइम ग्रुप थे मेरे पास, लेकिन जब वो अकाउंट बैंड हुआ तो सब छोड़ गए, फ्रेंड छोड़ गए, क्योंकि वो आईडी वो नहीं रही जो मुझे आईडी का भरम होता था, तो अब मैं वैसे ही सादा बंदा रोडों पे, कभी इधर हो कभी उधर, कोई मुंह नहीं लगाता, तो बस। वैसे करते क्या हैं? मैं पैकिंग का काम करता हूँ। पैकिंग का काम करते? नहीं, अच्छे भले हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं, गुड लुकिंग है दिखने में, फिर क्यों मुंह नहीं लगाती लड़कियाँ? क्या अंधी है लड़कियाँ? अल्लाह जानता है, पता नहीं क्यों नहीं लगाती, आ जाते हैं, हम तो मोबाइल उठा के, हम ज़्यादा तो टिकटॉक पर इंटरेस्ट करते हैं, इधर उधर देखते नहीं है, अब इतना टाइम ही नहीं मिलता, हम बोलते हैं अगर इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे तो टिकटॉक से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो जाएगी, तो मतलब टिकटॉक अर्निंग के लिए यूज़ करते हैं या लड़की के लिए यूज़ करते हैं? देखो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि ये जो आप बोल रहे हैं वही समझ लें। नहीं मतलब टिकटॉक यूज़ करने का रीज़न लड़की या पैसा?
लेकिन टिकटॉक से एक पहली बात है, पैसा कभी मिलता नहीं है, वो एक दूसरे से आता है। आप मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, मैं आपसे रिक्वायरमेंट करता हूँ कि आप मुझे इतना दें, मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूँ, मुझे ये खिला दें। टिकटॉक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पैसा दे दे। तो लेकिन थ्रू टिकटॉक आपको पब्लिसिटी मिलती है ना, आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, तो इस वजह से ही तो टिकटॉकर्स इतना कमा रहे हैं। अगर 2-2 लाख के आईफोन रखे हुए टिकटॉकर्स ने तो कमा रहे हैं, तो रखे हुए ना। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन अब हम उनके जब वहाँ तक पहुँचेंगे हमें भी कंपनियाँ देंगी। अब तो मतलब आपका मोटिव क्या है, वहाँ तक आपको वहाँ तक पहुँचना है या लड़की चाहिए कि भाई मैं टिकटॉक फेमस हो जाऊँ, लड़कियाँ आस पास आएंगी मेरे पीछे, क्या रीज़न है? देखो फिलहाल मेरा ऑप्शन ये है कि मुझे ना लड़कियाँ नहीं, लड़की चाहिए। और इसके अलावा हर किसी का ख्वाहिश होती है कि पैसा हो, आईफोन हो, हर चीज़ हो, वो हर किसी बंदे में है, चाहे वो टिकटॉक बनाए या ना बनाए। मैं यूज़ करता हूँ, मेरे अंदर ऐसी ख्वाहिशें बहुत हैं, लेकिन रीज़न लड़की का भी है। अगर कोई देख रहा है मुझे, रीज़न लड़की है, मेन रीज़न लड़की, पैसा तो कमा रहे हैं ना, मेन रीज़न लड़की है। अब ऐसी कुछ समझ लें, अगर कोई तर्स खा ले गरीब पे तो तर्स खा ले भाई, लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लड़कियां सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप भी फेमस हो, दूसरों को भी फेमस कराएं। इतना जुल्म अच्छा नहीं है, बेचारे मजलूम की सुन लीजिए। थैंक यू। कोई मैसेज लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए कोई मैसेज नहीं है, ये कहते हैं कि बस हम पे रहम करें, करम करें, क्योंकि करम करने वाला कोई है नहीं है अल्लाह के ज़ात के सिवा। आप लोग रहम करें, इतना बन ठन के आते हैं आप, हमारा खून जलाने के लिए आते हैं, पता नहीं किसको दिखाने के लिए आते हैं। लड़की बनती है लड़के को दिखाने के लिए, और हम जैसे अगर देखें तो वो मुंह फेर ले, तो फिर मेकअप ना कीजिएगा प्लीज़। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मोटिव तो है बिल्कुल लड़की चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, लेकिन ये कि आइए अब हम और लोगों से पूछ दें कि उनका क्या मोटिव है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टिकटॉक बनाते हैं आप? जी बिल्कुल बनाते हैं। अच्छा एक सवाल है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो टिकटॉक पे व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते, क्या रीज़न है? हुकूमत, महंगाई या फिर गर्मी, क्या है ऐसी वजह? कुछ हुकूमत का भी कसूर है और कुछ महंगाई भी है और कुछ शक्ल की भी बात भी है। अच्छा, तो यानी कि हुकूमत में ऐसा क्या किया है जो मतलब टिकटॉक पे व्यूज़ नहीं आते? देखो इतनी सारी महंगाई चल रही है, लोग जो है ना पैकेज नहीं कर पा रहे, जब पैकेज नहीं हुआ तो कैसे देखेंगे, व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, मसला ये है। सही है, ठीक है, लेकिन पैकेज तो अब तो बहुत इकोनॉमिकल कर दी हर नेटवर्क ने। मेरे ख्याल में हम तो नहीं कर पाते, महीने में देखो 7 दिन चलाते हैं फिर बंद रहता है, मसला ये है। आपकी सैलरी क्या होगी, आप घर चलाएंगे या टिकटॉक चलाएंगे, मसला ये है। महंगाई है, जिस तरह के अब पेट्रोल हो गया 250 रुपये, ठीक है, इसी तरह रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, अब बंदा फेमस हो या फिर खर्चे चलाए करके। ये बात भी ठीक है, बंदा फेमस हो या खर्चे चलाए। अच्छा मतलब तो इसके अलावा आपको कोई रीज़न लगता है कि जैसे आप, दूसरा आपने क्या कहा था कि क्या रीज़न है, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, तो शक्ल का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो आजकल ज़्यादा स्मार्ट भी अच्छा नहीं लगता बंदा, थोड़ा मुंह टेढ़ा सा हो, लोग फ़न एंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग टेंशन में हैं, ठीक है, फ़नी चीज़ें एंजॉय करते हैं। जैसे आजकल फेमस चल रहा है जो कहता है 2-3-1 पिल्ले, पता नहीं किस तरह के दांत हैं उसके, फिर भी पता नहीं लोग एंजॉय करते हैं बहुत। हम तो सारा दिन, हर हफ्ते मैं बाल कटिंग करवाता हूँ, कलर करता हूँ, कोई मतलब व्यूज़ नहीं है। तो आपका मतलब है कि मेंटेन ना रहे बंदा, गंदा रहे, गंदे दांत कर। जी जी, अच्छी चीज़ को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए तो मेरे ख्याल में मैं भी यही सोच रहा हूँ कोई गुटखा वगैरह शुरू करूँ। मैं तो डेली पेस्ट लगाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ। तो मतलब देखिए महंगाई से है आवाम भी परेशान, वो कहती है कि जब महंगाई होगी तो पैकेज नहीं होगा, पैकेज नहीं होगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे। टिकटॉकर्स भी हैं महंगाई से परेशान, आइए और लोगों के व्यूज़ पूछते हैं। जी तो एक और टिकटॉकर हमारे साथ हैं, आए इनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न है। जी अच्छा, सवाल ये है कि टिकटॉक पे व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, इसका रीज़न क्या है? हुकूमत है, गर्मी है, महंगाई है? ना हुकूमत है, ना गर्मी है, ना ही महंगाई है। द प्रॉब्लम इज़ दैट के यहाँ पे 2 चीज़ें काउंटेबल है। एक तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत से अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो वो इतने तेज़ी से वायरल होते हैं कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यार, कभी कभी हम कहते हैं जो हमने ये वीडियो बनाई है ये किसी काम के नहीं है, लेकिन जब वीडियो नहीं होती और हम डालते हैं तो उसके जो व्यू आते हैं वो हद से ज़्यादा आते हैं। तो ये टिकटॉकर का है
देखें कभी कभी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वो वायरल नहीं होती, और कभी कभी आप अगेन वही चीज़ होती है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते तो वो बहुत तेज़ी से, तो ये डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर। आप देखें कि एक बंदा बहुत अच्छी वीडियो बनते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, बीच में उसके वो टिकटॉक आईडी वो बंद कर देते हैं और वो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम कर देता है, एक चीज़ हुई। दूसरा, अगर आप लेंथ से हट के कोई ऐसी बात करते हैं जो माशरे के लिए सही नहीं होता, इवन माशरे में रिलीजियस लोग भी हैं, फोर्सेस भी हैं, इसके अलावा किसी को आप इंडिकेट करती हैं जो कि सही नहीं है, तो वो भी कुछ लोग कर जाती हैं, कुछ नहीं है, अच्छे खासे लोग कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी वीडियो वायरल नहीं होती आपकी और आपकी आईडी बैंड हो जाती है। तो आपके हिसाब से ये तीनों में से कोई रीज़न नहीं? नहीं, उनमें से कोई रीज़न नहीं है किसी सूरत में, ना हुकूमत है, ना गर्मी है, ना महंगाई है। उनका महंगाई से क्या ताल्लुक है भाई? मैं अगर यहाँ से पिजारों में आ जाऊँ या साइकिल पे आ जाऊँ, मुझे वीडियो बनाए, ये मोबाइल तो एक सब्जी वाले के पास भी है, एक चौकीदार के पास भी है, मेरे पास भी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, मैंने और भी जैसे टिकटॉकर से पूछा है तो उन्होंने कहा महंगाई, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पैकेज महंगे हो गए, लोग पैकेज नहीं करवा रहे, टिकटॉक नहीं देख रहे, लाइक नहीं मिल रहे, व्यू नहीं। बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ, दिस इज़ एडिक्शन, ये हीरोइन का नशा है, ये हीरोइन का नशा है, टिकटॉक और फौजी और इस तरह के। मेरे को खाना मिले ना मिले, लेकिन मेरा नेट हो तो मैं एक टाइम का खाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं नेट बहाल करूंगा, इसलिए कि फ्रेंड सर्किल मेरा अगर ना भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अगर ये मोबाइल है तो मैं पूरी दुनिया में बात करता हूँ, मुझे पूरी दुनिया से बाखबर होता हूँ, तो लोग रोज़ा रख लेंगे लेकिन नेट का पैकेज ज़रूर करेंगे। तो मैं कभी भी नहीं समझता, और ना ही ये रीज़न है कि नहीं जी महंगाई की वजह से, अब महंगाई क्या 50 रुपये में तो हो जाता है, और क्या चाहिए, 50 रुपये में भी आप नेट का पैकेट हो जाते हैं, जो कि इस वक्त पापड़ भी नहीं आता, अगर आप वो नेस्ले का बोलेंगे वो भी नहीं, ये बोतल भी 50 रुपये की नहीं है पानी की, तो फिर पैकेज तो 50 में भी हो जाता है, तो महंगे से इसका कोई वास्ता नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी गाइस, होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो, हमारा सवाल पसंद आया हो। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, अपनी होस्ट यास्मीन आफताब को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर किसी इंटरेस्टिंग सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसी मजाक करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।